इशित कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। भूख तो सच में बहुत ज्यादा लगी थी, पर आप ऊपर क्यों लेकर आ गए खाना? आप मैं तो नीचे ही आ जाती ना, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम अपसेट होगी इसलिए। थी मैं अपसेट, पता है मुझे लग रहा था कि मेरी दोनों बेटियां नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। जब मैं दोनों को माँ का प्यार दे ही नहीं सकती, सो एक्चुअली आई थॉट कि ठीक है जैसा हो चाहती है वैसे ही करूं, उनसे दूर चली जाऊं और उन दोनों को खुश कर दूं। पता है मैं दोनों के कमरे में जब गई, मैंने पता है क्या देखा? सच्ची? हार्ट हुई दीदी और फिर कन्हू का बैग भीग गया। वो कितनी सिली है ना, पर हमें बारिश में बहुत मजा आया। वेरी गुड, बट पीहू ऐसे किसी का मजाक उड़ाना तो बैड मैनर्स होते हैं ना, और आपको तो पता है ये बात। फिर आपकी फ्रेंड कन्हू को कितना बुरा लगा होगा जब आप सब ऐसे उस पे हंसे होगे। ऐसे नहीं करते पीहू। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस रूही दीदी, मैं आगे से किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी और किसी पे नहीं हंसूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। गुड गुड। सो टच्ड। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है रमन? अबे हमारी बेटियां कितनी सुलझी हुई है। हर माँ बाप को क्या चाहिए होता है, उनके बच्चों में अच्छे संस्कार हो, प्यार से रहे एक दूसरे के साथ, एंड द बेस्ट पार्ट इज रूही पीहू के लिए खड़ी रहती है कुछ भी हो जाए। और पीहू जाने कि कोई रूही को कुछ कह दे, पीहू सहन नहीं कर पाती। ये तो दिल का रिश्ता हुआ ना, क्योंकि पीहू तो जानती भी नहीं है कि रूही उसकी सिस्टर है। उसके बाद भी इतना प्यार। And this made me realize, मेरा और रूही का जो रिश्ता था, लोग मुझे तब तक तो सौतेली और बाहन न जाने क्या क्या बोलते थे, पर रूही और मेरे रिश्ते ने ये नहीं देखा, क्योंकि रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता ना। Our relationship was beyond all that, क्योंकि रिश्ते जो दिल के होते हैं वो बहुत पाक साफ होते हैं, और इतना ही प्यारा रिश्ता रूही और पीहू का है। ये लो, उनकी मोहब्बत अलग ही है। और रूही इस पे हम सब अपने होप्स खो रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो हमारा प्यार नहीं देख पाएगी। वो प्यार कैसे नहीं देख सकती जब वो पीहू से इतना प्यार कर सकती है? सोचो उसका दिल कितना साफ है, और जिसका दिल इतना साफ है वो अपनी इशिमा का प्यार नहीं देख पाएगा क्या? मुझे समझ में आया कि मुझे और सब्र रखना होगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम उनका दिल जीत पाएंगे, क्योंकि उनके दिल में कुछ खराब नहीं है। So we are on track. Such a nice feeling. चलो, eat with me. मैं खा चुका हूँ, तुम खा लो। Thank you, I'll make you eat. आलिया समझने की कोशिश करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आदि तुम तो ये कहोगे ना कि वो तुम्हारे मामू जो है, और वैसे ना मुझे ऐसी मेंटालिटी के लोग बिल्कुल नहीं पसंद, जिनको लगता है कि शायद किसी को रिजेक्ट करके ना उनके भाव बढ़ जाएंगे। आई मीन अगर मुझे पता होता ना कि वो प्रियंका को देखने जा रहे हैं, तो मैं प्रियंका को पहले ही बोल देती कि उनको खुद रिजेक्ट करें। वैसे भी ही सो बोरिंग, उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि अगर वो प्रियंका को ऐसे रिजेक्ट कर देंगे तो उसको उसको बेचारे को कैसा फील होगा? ओ प्लीज, तुम ना बिल्कुल गलत सोच रही हो। मेरे मामू ने तुम्हारी दोस्त को कोई रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि वो शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। ओ रियली? अगर उनको शादी करनी ही नहीं थी तो वो लड़की देखने गए क्यों थे? उनको पहले सोचना चाहिए था ना। तो शादी करने के लिए पहले लड़की देखनी पड़ती है, कोई बिना देखे ही शादी नहीं कर लेता। 5 मिनट में कोई कैसे जज कर सकता है? 5 मिनट में तो तुमने पहले बोला था कि मेरे मामू बहुत अच्छे गए थे, कोई शादी के लिए हाँ नहीं करती थी। और तुम Oh, hello. मेरी वजह से क्या हुआ है? तुमने मुझे यहाँ पे कुछ बात डिस्कस करने के लिए बुलाया।
आया था। तुमने पहले अपनी कुकिंग क्लासेस कर लो, बाद में मैं तुमसे बात करूंगा। लड़कियों को समझाना ना बिल्कुल ही बेकार है, दिमाग ही नहीं। ये तो पूरा जल गया है। सॉरी पापा, अब फिर से बनाना पड़ेगा। अम्मा देखिए कौन आया है। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। पाती मैं आज आपके घर ब्रेकफास्ट करने आई हूँ, मुझे इडली और डोसा खाना है। कैंप में भी ना हमें पराठा और सैंडविचेस ही मिल रहे थे, और आज दादी ने भी पराठा ही बनाया। आप प्लीज मुझे अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट दे दो ना। अब भी लेकर आती हूँ। अम्मा ये कुछ जल रहा है क्या, इस चीज की स्मेल है। आलिया ने सांबर का तड़का पूरा जला दिया, अब नया बनाना पड़ेगा। अरे पर पाती ये बदबू अच्छी नहीं है जलने की, आपके पास रूम फ्रेशनर नहीं है। है ना, मेरे रूम में है। ओके मैं लेकर आती हूँ। अरे पाती का वार्डरोब खुला है। मम्मा कहती है जब भी कबर्ड या वार्डरोब में से चीज निकालो तो दरवाजा बंद करना चाहिए। चलो मैं बंद कर देती हूँ। अरे बंद क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ये फोटो फ्रेम की वजह से बंद नहीं हो रहा। ये फोटो मैंने कब खिंचवाई थी। पाती से पूछती हूँ। पाती मैंने ये फोटो कब क्लिक की थी, मुझे तो याद ही नहीं है। देखो आयु पीहू तुमको भूख लगी है ना, मैंने फ्रेश फ्रेश इडली बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। एकदम फ्रेश इडली है, तुम चटनी के साथ खाना, मैं तब तक सांभर बनाती हूँ फ्रेश। नो पाती आप टॉपिक चेंज मत करो, बोलो ना हमने फोटो कब खींची थी, मुझे तो याद नहीं है। मैं दादी से पूछ लेती हूँ, दादी को पता होगा। वाला अब क्या करेंगे, पहले घर में इतने प्रॉब्लम है, ये फोटो मैं जाके देखती हूँ। अम्मा मैं भी चलता हूँ आपके साथ, चलिए। ले ले तुम मत आना। आलिया को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, और कुछ नहीं जला दे, ध्यान रखना। ठीक है। दादी बोलो ना ये फोटो कब ली थी और किसने, मुझे तो याद ही नहीं है। मुझे ये पाती के कबर्ड से मिली, बोलो ना ये फोटो कब खींची थी। और मेरे पास ऐसी ड्रेस भी नहीं है, इसमें पापा और हार वाली आंटी कितने अलग लग रहे हैं। बोलो ना दादी, बोलो प्लीज। अरे पीहू मुझे दिखाओ। अरे ये फोटो तो उस दिन के जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी, तुम भूल गई, याद नहीं है तुम्हें। आदि भैया को याद होगा, देखो उनसे पूछो, है ना। अरे हाँ हाँ ऑफ कोर्स मुझे याद है। अरे पीयू हमने उस दिन बहुत सारी फोटोज ली थी ना घर में फ्रेम लगवाने के लिए, तब भी तो ये फोटो ली थी उसी दिन। अच्छा पर मुझे याद नहीं है। ओहो पीयू तुम ना छोटी छोटी बातें भूल जाती हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम गेम खेलने वाले, उसी के लिए तो हमने ये सारी फोटोज ली थी। पर इस फोटो में पापा कितने अलग लग रहे हैं और हार वाली आंटी उनके बाल कितने अलग है। अरे पीयू तुम वो कौन सा सीरियल देखते हो, साजन का ससुराल, तो उसमें जो वो लीड एक्ट्रेस है वो तो बार बार अपनी हेयर स्टाइल बदलती है, तो बस उस दिन सब ऐसे ही तैयार हो गए थे। हाँ और ऊपर से मैंने फोटोशॉप भी कर दिया, तो इसीलिए सब अलग लग रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आदि फोटोज को मत छेड़ा करो। देखो वैसे भी एक बात बताओ, पापा इसमें काफी हैंडसम लग रहे हैं ना। हाँ पापा आप तो हमेशा हैंडसम दिखते हो। और आपकी ये आंटी पापा की मम्मी नहीं लग रही फोटो में। आंटी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, पर वो रियल में फोटो से भी ज्यादा प्रिटी लगती है।
बिल्कुल पार्वती की तरह। पर मुझे अभी भी याद है ये फोटो कब ली थी। ऐसा ही होता है पीहू। तुम्हें पता है जब मैं रूहान बन के ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सर्ट्स करती थी ना, तो मैं जाके एक दिन स्टेज पे गाना ही भूल गई थी। सच्ची? हाँ, तुम्हें पता क्या हुआ था? वहाँ मैं जब स्टेज पे गई ना, तो वो कौन सा गाना था जो मैंने लिखा है? रेन अम्ब्रेला। रेड अम्ब्रेला रूई दीदी। एग्जैक्टली। तो ये गाना ना मैं स्टेज पे परफॉर्म करने वाली थी, और फिर मैं वहाँ पे गई और अचानक से ना मैं उस गाने के लिरिक्स ही भूल गई। फिर ना मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो सारे म्यूजिशियंस डांसर्स सब मेरी तरफ देखने लगे और ना मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर पता है मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने ना माइक ऑडियंस की तरफ घुमा दिया और फिर वो लोग जोर जोर से गाना गाने लगे। किसी को पता भी नहीं चला कि असलियत में तो मैं ही गाना भूल गई थी। वाओ रूही दीदी, यू आर सो स्मार्ट। अच्छा पीयू, मेरे पास ना वो गाने की सीडी है और तुम आज वो सुनोगी मेरे साथ। ओके ओके रूही दीदी। कल के लिए सॉरी हार वाली आंटी, मैंने आपसे रूडली बात की। पीयू बेटा, तुम्हें रेडी भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, अब चलो रूम में चलते हैं। ओके मामा। रूही, थैंक यू। बच गया आज। ये तो शुक्र मना कि रूही ने इतनी चंगी तरह बात को संभाल लिया। कितनी होशियार हो गई है मेरी रूही। अच्छा हुआ रूही ने बचा लिया, ये तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आलिया, काओ ना करना, इधर उधर क्या देख रही है? काओ काओ, टेस्ट करो सांबार को और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ऐसा बनाना। प्रिंजिदा, सॉरी पाटी, आज मसाला जल गया मुझसे, बट नेक्स्ट टाइम ना मैं ट्राई करूंगी, मैं ऐसा ही सांबार बनाऊं। हरवाइल। आलिया, क्या हुआ? कुछ नहीं पाटी, बहुत अच्छा बना है। काओ ना फिर। हाँ, वो चटनी। Wow, Chitti, you're looking gorgeous. Nalla irukke, super. कहाँ जा रही हूँ? कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? ऐसे? क्यों? अच्छा नहीं है? अच्छे लग रहे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी ऐसे कपड़ों में कॉलेज जाते हुए देखा नहीं ना, इसलिए। एक्चुअली कॉलेज में नया रूल निकला है कि यू नो किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, इंडियन या वेस्टर्न, बस फॉर्मल होने चाहिए। तो आई थॉट आई विल ट्राई समथिंग न्यू। नाइस, नाइस, वेरी नाइस, काफी अच्छे रूल बनाया कॉलेज वालों ने। अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे। मैं बस नहीं, वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, तो मैं निकलती हूँ। मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, चलो ना। नहीं, तुम जाके चेंज करोगे ना, फिर गाड़ी निकालोगे, बारिश भी हो रही है, टाइम लग जाएगा, मैं निकलती हूँ। ओके बाय बाय। ये आलिया भी ना, बेचारी बाला को मना करना पड़ा। बाला, ब्रेकफास्ट? अब या सांबर? नहीं, ओके। चटनी? नहीं, थैंक्स। इतनी जल्दी नहीं बंधु जीती, इनको अभी और तरसाओ, तभी तो जाके आपकी वैल्यू करेंगे। मीका, पराठे लाओ ना, भूख लगी है मेरे को यार। देख, अरे ला रही हूँ, अच्छे से पराठे सिकने तो दो। मेरा पराठा कहाँ है? गॉड, अब तो इस पराठे पे लड़ाई होगी। अरे अब काम करो, अब ये पराठा खा। मैं तेरा, अब खा लो, अब ये खा लो, मैं वेट कर लूँ। नहीं, काम कर, तू खा। भाई आपकी मीटिंग है ना, आप तो खा, तुझे ऑफिस जाना है। मेरी मीटिंग 11:30 बजे, बहुत टाइम है। भाई 12 बजे, हरा काम बज रहे। यार ये घड़ी बंद हो गई,
का मुद्दे क्यों उठा था, वक्त पे कैसे पहुंचूंगा मैं? भाई तुम टेल मी, आपने गाड़ी खराब कर दी? भाई आपको पता था मुझे कितनी पसंद है, पूछा था कभी मार भी लूंगा, अभी खराब कर दी ना आपने गाड़ी। तो ले, आप इसका क्या करूंगा? गाड़ी खराब नहीं है, मैं जानता तुझे कितनी पसंद है, इतने लिए गिफ्ट है, आज तेरा काम का पहला दिन है ना। लेकिन बेटा एक बात याद रख, अगर वक्त के साथ नहीं चलेगा तो वक्त तुझे पीछे छोड़ देगा। भाई आप मेरी गाड़ी ले लो। तेरी गाड़ी मैं, भाई रुईया नहीं तो तेरी घड़ी क्यों पहनूं मैं? भाई आपको याद है कुछ साल पहले आपने मुझे अपनी घड़ी दी थी जब मैं काम के लिए जा रहा था, और आपने कहा था कि तुम वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। नहीं चुके भाई, ऐसे भी वो घड़ी मुझ पर उधार थी, ऐसा सोच लो एहसान चुका दिया, अब खुश हो? जित्ती मैं क्या कर रही हूँ, पर आलिया तुमने मुझे बाला से लिफ्ट क्यों नहीं लेने दी? वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसे इम्प्रेस करना है, प्लान पता है ना तुम्हें? जानती हूँ जित्ती, पर आपको उनको थोड़ा वेट कर देना चाहिए, तभी तो एक्साइटमेंट बढ़ेगी, और फिर देखना वो खुद से आपको डिनर डेट पे लेके चलेंगे, बस आप मुझे बिलीव करिए तभी समझेंगे आप। पर आर यू श्योर आलिया की प्लान काम करेगा? श्योर जित्ती, आप बस रिलैक्स करो। और आपको पता है आज आप इतने हॉट लग रहे थे, बाला सर की नजरें नहीं हट रही थी आपसे। I don't know, but are you sure? जित्ती, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना, तो बस मुझे पता है आपको किस चीज का डर है, लेकिन डोंट वरी, आप देखना बाला सर ना किसी भी औरत की तरफ ना नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। पक्का? आई एम श्योर। चलो गो गो, बाय। हाय, हाउ आर यू? व्हाट हाय? आई डोंट टॉक टू यू। नो, एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी है। मैं पूछना चाहती हूँ कल शाम को आपने जो किया वो क्यों किया? आपका बिहेवियर देख के मैं शॉक रह गई। किसी और को जज करने से पहले आपने खुद को देखा कभी? एक तो आप ऐसी लड़की को देखने गए जो उम्र में आपसे छोटी है, पर 5 मिनट के बाद आप इसको रिजेक्ट कर दिया। रूड। आपने एक बार भी सोचा कि इसको कैसा फील हो रहा होगा? यू कैन गो लाइक दिस। मुझे मेरा आंसर चाहिए। अगर आपको शादी करनी ही नहीं थी तो आप लड़की क्यों देखने आए? मैं तुम्हें कैसे समझा? मैं देता हूं जवाब। नहीं नहीं मामू, क्या सच है क्या नहीं सबको पता लगना चाहिए, किसी के मन में ना कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तुम्हें जवाब चाहिए ना? मेरे मामू ने तुम्हारी फ्रेंड का रिश्ता ठुकराया क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड ने मेरे मामू को बोला ठुकराने के लिए। नहीं मामू, मेरे को बोलने दीजिए। तुम्हारी फ्रेंड किसी और से प्यार करती है और वो अपने भाई मिस्टर नागपाल को बताने से डरती है, इसीलिए उसने मामू को बोला कि आप जाके उन्हें खुद रिजेक्ट कर दीजिए ताकि उसके भाई को गिल्ट महसूस हो, बुरा लगे, और इस मौके का फायदा उठा के वो अब तुम्हारी दोस्त प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता के जिससे वो प्यार करती है उससे शादी कर सके। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें मेरी बात पे? हाँ तो जाके उससे खुद पूछ लो। I'm sorry मिहिर, मुझे इन चीजों के बारे में कोई आईडिया नहीं था। अरे इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं खुद शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि वो लड़की मेरे से एज में इतनी कम है, और जब उसने मुझे कहा कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली अनिल को कह दिया कि उसे अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे लड़के से करना चाहिए जो उसकी एज का हो और जिसे वो पसंद करती है, एंड आई होप दैट हैपेंस फॉर योर फ्रेंड। सुन लिया, मैंने कहा था ना तुम्हें कि इस बात के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, वो कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर ही नहीं सकते। लिसन दादी, आप रवि से बता दो। इट्स ओके, वेल अभी तुम जाओ, तुम्हारे अप्पा ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, और मुझे भी मामू से कोई जरूरी बात करनी है, प्लीज लीव। जो भी हुआ, प्रियंका ने मुझे क्यों नहीं बताया? नीड टू आस्क हर। हाँ भाई। हाँ वैसे घड़ी आप पे काफी सूट कर रही है। जिसका टाइम अच्छा होता है ना उसे हर घड़ी अच्छी लगती है ना माँ। हाँ बोलो।
क्या बकवास कर रहे हो? ये नहीं हो सकता है। क्या हो गया? क्या हुआ? किसका फोन था? What happened जाजू? भाई वो मेरी फैक्ट्री पे आईटी की रेड पड़ गई है। What? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।